प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू का काम करेंगे, ठीक है। और उर्दू के काम में आज हम अपने दो आखिरी हुरूफ तहजीब सीखने वाले हैं। तो चलिए एक-एक करके पहले हुरूफ की तस्वीर देखते हैं और पहचानते हैं कि आज हम कौन सा हुरूफ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली तस्वीर हमारे पास है। अरे, ये क्या है? इतना मजेदार सा कौन सा फल है ये? ऑरेंज, बिल्कुल ठीक। लेकिन ऑरेंज तो हम इसको इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं हम इसको, पता है? इसको कहते हैं नारंगी। नारंगी, इसे क्या कहते हैं? नारंगी जी, नारंगी। हमने इंग्लिश में इसको ऑरेंज बोलते पढ़ा है, जिसका कलर भी ऑरेंज ही होता है, लेकिन उर्दू में इस फल का नाम होता है नारंगी। चलिए अगली तस्वीर है हमारी। अरे, ये क्या है? ये तो सबको पता होगा। नल, बिल्कुल ठीक। ये क्या लिखा, ये क्या, कौन सी तस्वीर है? नल, ये कौन सी तस्वीर है? नल, ये क्या है? कौन कौन खाता है ये शौक से? लेकिन खोपरा तो कहते हैं इसे, लेकिन इसे नारियल भी कहते हैं जी। क्या है ये? नारियल। ये कौन सी तस्वीर है? नारियल। ये कौन है जिसने व्हाइट कलर की टोपी पहनी हुई है, सफेद कलर का यूनिफॉर्म पहना हुआ है? कौन होता है ऐसे जी? हॉस्पिटल्स में होती है ना, इन्हें क्या कहते हैं? नर्स। क्या है ये? नर्स। ये कौन है? नर्स। अगली तस्वीर हमारी। अरे, ये क्या है? सेब की तरह से कुछ लग रहा है, लेकिन ये सेब नहीं है। इसे पता है क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नाशपाती। नाशपाती, इसे क्या कहते हैं? नाशपाती। इसका जायका भी थोड़ा थोड़ा सेब की तरह से मिलता जुलता होता है, ठीक है। तो ये कौन सी तस्वीर है? नाशपाती। चलिए अब सारी तस्वीरें एक साथ आ गई हैं, सारी तस्वीरों को एक साथ दोहराते हैं और देखते हैं कि हमने कौन सा हुर्फ पहचाना है और सही भी है या नहीं। चलिए सबसे पहली तस्वीर है नर्स, नाशपाती, नल, नारियल, नारंगी। तो आपने कौन सा हुर्फ की आवाज ढूंढी या कौन सा हुर्फ देखा? नारंगी, नारियल की आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है इनकी आवाज। तो ये तो इसकी आवाज हो गई। इसका नाम होता है नून। नून, नून को भी बोलने से पहले देखिए किसकी आवाज आ रही है? नून की आवाज आ रही है ना, बिल्कुल। तो ये कौन सा हर्फ है? नून। कौन सा हर्फ है ये? नून। नून के अंदर एक नुक्ता। नून से नर्स, नून से नाशपाती, नून से नल, नून से नारियल, नून से नारंगी। ये कौन सा हर्फ है? नून, ठीक है। तो चलिए अब नून की चीजें और हर्फ नून सीखने के बाद हम अपनी सब बच्चे किताब खोलेंगे। तो चलिए, मैंने तो अपनी किताब खोल ली है, क्या आप सबने अपनी किताब खोल ली है? बहुत अच्छे। तो अब किताब खोलने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे? आज की तारीख डालेंगे, क्योंकि आज है 27 जनवरी 2021। ये हमारा क्लास वर्क है और आज का दिन है बुध, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इस पेज पे हम क्या करते हैं, हर्फ नून पर पेंसिल फेरिए और तस्वीर में
रंग भरिए। चलिए इस नुक्ते से शुरू करेंगे, इस बड़े से नुक्ते से, इन नुक्तों को नुक्तों से आराम आराम से मिलाएंगे, ठीक है, ताकि हमारी नून पर पेंसिल फेरना बिल्कुल भी गलत ना हो। इस तरह से नून पर पेंसिल फेरने के बाद नुक्ते पर पेंसिल फेरना मत भूल जाइएगा, ठीक है। ये कौन सा हर्फ है? नून, और नून के अंदर एक नुक्ता। नून से नल, नून से नारंगी, नून से नर्स, नून से नारियल, नून से नाशपाती, ठीक है। तो अब हम इन सारी तस्वीर में बहुत अच्छे से रंग भरेंगे, और रंग भरने के बाद हम अपने अगले पेज पर आ जाएंगे। चलिए अगले पेज पर आते हैं, ये है हमारा अगला पेज, और इस पेज पे हमें क्या करना है, कौन बताएगा मुझे? नून की चीजों पर दायरा बनाइए और पेंसिल फेरिए। तो मुझे बताइए सबसे पहली चीज कौन सी है? नाक। तो नाक किससे, इसमें किसकी आवाज आ रही होगी? नाक, नाक की आवाज आ रही है ना, तो नून किसकी आवाज है? नून, नून से नाक, ठीक है। अगली तस्वीर है, ये क्या कर रहा है, ये क्या पढ़ रहा है? नमाज, बिल्कुल ठीक, नमाज भी किससे आता है? नून से। तो हम इसको बहुत अच्छी तरह से दायरा बना देंगे, ठीक है। अगली तस्वीर है नेजा। नेजा किसकी आवाज आ रही है नेजा में? नेजन, नून की आवाज, तो इस पे भी हम दायरा बना देंगे। कोशिश करेंगे कि हमारे दायरे बहुत ही अच्छे बने, ठीक है। तो अब ये दो तस्वीर हैं, उकाब और नौ, ये दोनों आप इन दोनों में से ढूंढेंगे कि कौन सी तस्वीर नून से आती है, उस पे दायरा बना देंगे, ठीक है। तो चलिए अब अगले काम पर आते हैं, और अगला काम हमारा है नून पर पेंसिल फेरने का, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, किस तरह से? नुक्ते से शुरू करेंगे और नुक्ते से नुक्तों को आराम आराम से मिलाते जाएंगे, तो हमारा नून बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे की करते हैं, नून, नून के पेट में एक नुक्ता। इस तरह से हम सारे नून पर पेंसिल फेरेंगे बहुत अच्छी तरह से, और पेंसिल फेरने के बाद अपने अगले पेज पर आ जाएंगे। ये हमारा नून का अगला पेज है, जिसमें हम आज की तारीख डालेंगे, और ये हमारा होमवर्क का पेज है, ठीक है। तो पढ़िए, पेंसिल फेरिए और लिखिए। तो पेंसिल फेरना हमने अभी पीछे सीखा है, अब हम इसको लिखना सीखेंगे, ठीक है। ये नुक्ता है, इस नुक्ते से हम नीचे जा रहे हैं, ठीक है, सीधा नीचे गए, लाइन के पास जैसे ही आएंगे इसको घुमाना शुरू किया, और घुमाकर लाइन के वापस ऊपर, इस तरह से। नून के अंदर एक नुक्ता। दोबारा से देखिए, इस नुक्ते से शुरू करेंगे, सीधा नीचे जाएंगे, और लाइन के करीब आते ही इसको नीचे घुमाना शुरू करेंगे, वापस लाइन के ऊपर आएंगे घुमाकर, और इसके अंदर बना देंगे एक नुक्ता। कौन सा हर्फ है ये? नून, और नून के अंदर एक नुक्ता, ठीक है। तो इस तरह से गौर से देखेंगे किस तरह से नून लिखा गया है, हम पतले पतले नून नहीं बनाएंगे क्योंकि ये गलत होते हैं, ठीक है। तो अपने तीनों पेजेस कंप्लीट करिए बहुत सफाई से, और उसकी तस्वीर लेकर मिस को भेजिए।